सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी 9th क्लास की स्केल नंबर 8 है। ये इसकी कागज बाट है स्केल नंबर 8 की। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कागज बाट मैंने आपको बहुत सिखा रखी है, 6 स्केलों में मैंने कागज बाट आपको सिखाई है। ये इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है और ये इसकी ब्रेथ है। लेंथ इसकी 96 सेंटीमीटर, हाइट है 57 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसकी कागज बाट कर रखी है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। ये एक बॉक्स है, बॉक्स को हमें सॉल्व करना है। इसमें जो फुट्टा है वो है 2.15 सेंटीमीटर का। तो हमने इसको बनाना शुरू करना है। सबसे पहले हम इसमें नीचे से कार्य शुरू करेंगे। तो नीचे से इसमें एक फट्टी है 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर, ये नीचे इसका बेस है जो आपका ये बॉक्स है, बॉक्स का नीचे बेस है और बेस से ऊपर जो है वो 2 सेंटीमीटर की एक और फट्टी लगी है। तो मैं 2 सेंटीमीटर भी इसके साथ साथ ही ले लेता हूँ। 5 के बाद हम इसको डार्क मिला देते हैं। अभी हम फीकी लाइनें लगाएंगे, हम बाद में इसको डार्क करेंगे लाइनों को। बहुत हल्की हम लाइनें अभी लगाएंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, ऊपर से भी हमने इसमें 2 सेंटीमीटर लेना है। दो सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर के बाद है 8 सेंटीमीटर। ये भी आपका डार्क ही है। तो ये 5 8 सेंटीमीटर है। ये आपका 2 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये हमारा डार्क आएगा। ये आपका 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारी लाइनें बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अभी अब हम इसमें क्या करेंगे, साइड 2 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बॉक्स की जो इस साइड होगी ये डॉटेड, इसमें हम 2 सेंटीमीटर यहां से नीचे हम लेंगे। यहां तक इसमें आएगा और इसमें भी यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे थोड़ा कट इसमें लगा हुआ है, छोटा है यहाँ से और ये 8 सेंटीमीटर पीछे है यहाँ से। तो हम यहाँ से 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 8 के बाद इसमें हमने 2 लगाना है, 2 हम डॉटेड लगाएंगे। तो मैं निशान लगा ही देता हूँ इसमें और यहाँ भी हम यहाँ पे इसी तरह से ये देखिए, ये मैंने 8 और 2 10 हमने ले लिया है। यहाँ भी ये हमारा 8 है और ये आपका 2 सेंटीमीटर डॉटेड हमारा अंदर आना है। ये आपका 8 और 2 और 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इसमें नाप देना है और यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर नाप देंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। इस तरह से और यहाँ पे भी डॉट लगाएंगे।
ये जो हमने ऊपर 8 सेंटीमीटर काट रखा है डब्बे का, तो ढक्कन है उसमें भी ये डॉटेड हमारे आएंगे। और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से डार्क आएगा, ये हमारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डॉटेड आएगा, यहाँ पे ये हमारा डार्क आएगा, ये हमारा डॉटेड। ये 10 के बाद है, 8 के बाद, सॉरी 8 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से, और ये आपकी एलिवेशन बन के तैयार हो गई है। और इसी तरह से सेम इसी सिचुएशन में आपकी साइड भी बननी है, तो साइड को यहाँ से डॉटेड ले लगते हैं, साइड भी आपकी इसी तरह से बननी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये 2 सेंटीमीटर इसी की प्रोजेक्शन में आगे ले लगते हैं, ज़्यादा हमारा कार्य इसमें नहीं है इसलिए हम मैं इसको भी डार्क कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा फाइनल हो चुका है साथ साथ ही। और अब हमने ये लेना है 8 सेंटीमीटर, ये मैं साथ साथ ही डार्क कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं ये डार्क लाइन लगा देता हूँ। तो हमने नीचे यहाँ पे जो ये लगाया था ये हमने 5 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, ये भी हमने डार्क लाइन लगा देनी है। इसके बाद 2 सेंटीमीटर है, इस तरह ये हमारा बनेगा। अब जैसे हमने यहां पे डॉटेड लगाए थे यहां पे भी यही डॉटेड आएंगे। आप यहाँ पे भी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये एग्जाम में स्केल आई है, बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछी गई है स्केल, तो आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है क्योंकि जो आपकी बुक है बुक में इसका आंसर नहीं है। अभी तक जो आप किताब कर रहे थे स्केल कर रहे थे उसके बुक में आंसर दिए हुए थे और इस स्केल का बुक में आंसर नहीं दिया है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। ये आपका डॉटेड है, मैं थोड़ा इसको फेयर ही कर लेता हूँ। अब हमने इसमें कुछ मिटाना नहीं है इस तरह से, और यहाँ भी ये डॉटेड आ जाएगा, ये भी मैं थोड़ा फेयर कर लेता हूँ। थोड़ा यूं भर जाएगा, ये इस तरह से। अब ये आपका एलिवेशन और साइट दोनों बन गए हैं, हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। इसके हम प्रोजेक्शन लेंगे, हमने साइड में भी इसकी पोजीशन लेने हैं यहां से, साइड के प्रोजेक्शन आपके प्लान में चले जाएंगे। ये जो आपकी लाइन ऊपर आने हैं ये सब उसमें ऊपर डॉटेड है, इसमें डार्क नहीं है कुछ भी। तो हमने सबसे पहले इसमें जो है ये लाइन हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर की इधर को, ये भी हम ले लेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन,
रस है, ये जो आपका है, ये आपका है यहाँ पे, इसका भी हमने यहाँ पे पूरा डॉटेड लेना है। ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इसका भी हमने डॉटेड लेना है। यहाँ पे ये रेखा रही है, ये भी हमने डॉटेड लेना है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये हमने ले लिया है। अब हमने ये जो आपका 2 सेंटीमीटर था बाहर से, ये हमने यहां तक लेना है, इसमें बीच में यहां तक, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये हमारी रेखाएं आएगी, और ये अब आपका आपकी जो स्केल है वो बन के तैयार हो गई है। इतना ही इसमें कार्य था। इसी तरह से आपने भी इसको अच्छे से सफाई के साथ बनाना है। इसमें बचता हमारा है स्केल कार्ड, इसमें हमने जो स्केल कार्ड यूज किया है वो है 2.15 सेंटीमीटर। यहाँ आपने स्केल बना जरूर देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से सफाई के साथ आपने इसको बनाना है। बड़ी आसान स्केल है, मुश्किल नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि पेपर में ज़रूर पूछी जाती है, इसलिए आपने थोड़ा इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जितनी अच्छी सफाई से स्केल बनेगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें फुट्टा ज़रूर इसमें बनाना है, तो ही आपको 24 नंबर मिलेंगे। नहीं तो ये जो आपका कार्य हुआ है ये भी सिर्फ 22 नंबर का कार्य कम्प्लीट हुआ है।